टू माय यूट्यूब चैनल हिमाचल ट्रक ब्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे। तो भाई आज का ब्लॉग्स ट्रक पे नहीं है, तो आज हम घर पे। तो अभी मैं बिलासपुर में हूँ, तो अभी यहाँ से जाएंगे भाई, एक दोस्त के साथ ही वहाँ जा रहे हैं। तो अभी कार को डेकोरेट करवाना है भाई, तो बताएंगे आपको। अभी कार लेने जा रहा हूँ मैं भाई, मामा की कार है अपने की, तो वहाँ से लेने जा रहा हूँ मैं घुमाने। तो ये रहा भाई कॉलेज चौक बिलासपुर, तो हम जा रहे हैं अभी। ये रही भाई एजेंसियाँ वगैरह यहाँ पे, एजेंसी नहीं है भाई, क्या बोलते हैं उनको, भूल गया भाई मैं थोड़ा। यार आएगी मेरे को याद, पर अभी याद नहीं आ रही क्या बोलते हैं उनको। हाँ भाई फाइनेंसर वगैरह रहते हैं यहाँ पे, श्रीराम वगैरह वाले क्या ऑफिस है यार। बहुत देर बाद याद आई मेरे को। यहाँ भाई मॉडिफिकेशन होती है गाड़ियों की, कार वगैरह की। तो अभी हम जा रहे हैं भाई, तो देख सकते हैं आप ऐसा जैसा है कुछ। तो हम चलते जा रहे हैं भाई, ग्रीनरी देख सकते हैं बिलासपुर की, ये वादियाँ। तो भाई वहाँ देख सकते हैं आप, शादी का सीज़न है, वहाँ पे कार लगी है भाई डेकोरेट की, ये कार। तो भाई यहाँ पे रुके हम, टायर वगैरह की हवा चेक कर रहे हैं अभी। तो ये पंप है यहाँ पे, यहाँ पे अपने ट्रक में तेल भी डलवाते थे पहले, अब भी डलवाते हैं। तो भाई तो यहाँ देख सकते हैं भाई, एक स्पॉट है फ़ोटो खींचने वाला, सेल्फी पॉइंट है यहाँ पे। तो भाई बहुत ही तेज़ चल रही है गाड़ी। तो यहाँ पे आगे एक ITI आएगी अपनी, जो बिलासपुर की ITI है, गवर्नमेंट ITI आएगी यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे गवर्नमेंट ITI है यहाँ पे भाई, बहुत सारे इंस्टीट्यूट वगैरह भी। ये रही भाई ITI बिलासपुर की। तो हम इंडस्ट्रियल एरिया की तरफ से जा रहे हैं, बिलासपुर इंडस्ट्रियल एरिया की तरफ से। तो यहाँ पर एक कामधेनु स्वीट शॉप भी आता है भाई, बहुत मशहूर है यहाँ का। तो कभी आओगे तो यहाँ पर आना आप ज़रूर। तो भाई हम चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। तो भाई रहा कुछ ऐसा जैसा नज़ारा है यहाँ का, ऐसी जैसी वादियाँ हैं यहाँ की। अब आएगा एक पुल जो कि बहुत ही फेमस पुल है यहाँ पे, बिलासपुर का चांदपुर का पुल है भाई यहाँ पे। तो सुसाइड भी बहुत होते हैं भाई यहाँ पे, और देख सकते हैं कितना गहरा है। अभी रोक के दिखाऊँगा मैं आपको, रोक के दिखाऊँगा मैं बीच से मैं आपको। रुको थोड़ा, इसकी ग्रीनरी देख सकते हैं आप यहाँ पर, बहुत ही यार मतलब बहुत ही मतलब यहाँ पर सेल्फी पॉइंट भी भाई, बहुत सारे लोग यहाँ सेल्फी लेने आते हैं। तो भाई ये रहा कुछ ऐसा जैसा नज़ारा है यहाँ का, सूख गई है ये यहाँ पे अभी ये भाई। तो भाई ये गोविंद सागर झील है, सतलुज नदी का पानी बह रहा है इसमें। तो ये रहा कुछ ऐसा जैसा नज़ारा है यहाँ का, व्यू देख सकते हैं आप भाई, बड़ा मस्त व्यू है यहाँ पे। जो जाता है वो सिवा इंस्टीट्यूट के लिए जाता है यहाँ से, ये बहुत ही मशहूर है यहाँ पे भाई। ये देख सकते हैं आप सिवा इंस्टीट्यूट के बच्चे। और ये रोड जा रहा है सीधा, जा रहा है घुमारमी की तरफ, कांगड़ा होके सीधा चंबा जाएगा ये रोड, पठानकोट भी यही रोड जा रहा है। तो ये नेशनल हाईवे है। तो आप देख सकते हैं कितना शांत वातावरण है। और ये देख सकते हैं आप यहाँ पे नर्सरी, नर्सरी क्या है, ये गिफ्ट सेंटर है थोड़ा सा। और भाई ये अपना बंदा यहाँ पे रहता है, काम करता है थोड़ा बहुत। तो हम जा रहे हैं, कंटिन्यू सफ़र कर रहे हैं भाई, अभी तक हम घुमारमी नहीं पहुंच पा रहे, क्योंकि यार बहुत अच्छा सफ़र है यहाँ का यार, मतलब मज़ा आता है इस सफ़र में, बोरिंग नहीं होते, बहुत ही अच्छा शांत वातावरण, वाओ। हम चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। अब बोरिंग मशीन आई है शायद यहाँ पे भाई, बोर लग रहा है अंदर। और भाई यहाँ पे भाई गाड़ियाँ उठाते हैं फाइनेंसर, आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा गाड़ियाँ लगी हुई हैं, आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ भाई, सस्ते रेट में मिलती हैं यहाँ पे, मतलब सेल लगती है भाई, सेल मतलब वही जो आप समझ रहे हैं सेल। एम्बुलेंस से ओवरटेक करते हुए, और यहाँ पे एक आगे भाई कंद्रौर पुल आएगा। अब ये दो पुल बहुत खतरनाक है भाई, डेंजरस पुल है। पहले यहाँ पे बहुत सुसाइड हो रखे हैं भाई, सरसों लगी है देख सकते हैं आप, सरसों। तो भाई पहुँचने वाले हैं कंद्रौर, तो आप देख सकते हैं कंद्रौर का कुछ ऐसा जैसा व्यू है यहाँ पे भाई, कंद्रौर का स्कूल ये है भाई, कंद्रौर स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल है। तो ये रहा भाई कंद्रौर चौक, यहाँ पे लोग बसों का इंतज़ार कर रहे हैं, भाई साहब भी कर रहे हैं बस का इंतज़ार है। तो ये भाई कंद्रौर, कंद्रौर शहर, शहर ही बोल सकते हैं भाई, शहर ही है ये, क्योंकि कभी इसका नाम एशिया में हुआ करता था, एशिया वर्ल्ड बुक में हुआ करता था। दूल्हे का फ़ोन आ गया था थोड़ा, तो मैं आपको कंद्रौर पुल दिखा नहीं पाया थोड़ा। तो ये है भाई कंद्रौर का पुल, मैं पहले भी आपको दिखा चुका हूँ वीडियो में, पहले वाली वीडियोस में। तो आप देख सकते हैं भाई ये है कंद्रौर पुल भाई, यहाँ पे जाली लगवा दी, इसलिए जाली लगवाई क्योंकि यहाँ पे बहुत सुसाइड होते थे, बहुत ज़्यादा सुसाइड होते थे। इसलिए मैं पहुँच चुका हूँ घुमारमी, यहाँ पे चाय वगैरह पी, परौंठा खाया मैंने एक। अब मामा दे रहे हैं मेरे पास चाबी और मैं जा रहा हूँ भाई गाड़ी लेके। तो पहले गाड़ी वगैरह कराएँगे साफ, उसके बाद करेंगे डेकोरेट। तो चलते हैं अब।
तो हम जा रहे हैं अभी भाई वॉशिंग पॉइंट पे, तो बहुत जल्द पहुंच जाएंगे वॉशिंग पॉइंट पे। वॉशिंग कराने के बाद उसके बाद कार को करेंगे डेकोरेट। तो भाई दिखाते हैं आपको कार, फिर अब लो नज़ारे भाई व्यूज़ के। भाई अपनी गाड़ी हो गई है साफ, अब इसको सुखाया जा रहा है। भाई गाड़ी हो गई अपनी बिल्कुल साफ, अब थोड़ी अंदर से डैशबोर्ड वगैरह कर रहे हैं भाई साफ। गाने गुणे ला दो भाई। हां भाई गाने गुणे में जो नहीं पता कितने लगाए लगाई दे लाग लगे ना चाबी करो। तो भाई मामे ने चाबी खड़ा चाबी रख अंदर पहले। अरे नहीं चल रहा, नहीं चल रहा। तो भाई चल पड़े, गाने वगैरह लगा रहे हैं अब अंदर, अंदर डैशबोर्ड वगैरह कर रहे हैं अभी साफ फिलहाल। तो ये होने के बाद चलेंगे सीधा गाड़ी डेकोरेट करने। हो रही है गाड़ी की डेकोरेशन है, उसके बाद होगी अपनी गाड़ी की। तो यहाँ फूलों की कमी पड़ती है। ये हो रही है फाइनली फिनिशिंग, बहुत अच्छी लग रही है भाई गाड़ी है। उसके बाद आएगी अपने यहाँ पे, अपना नंबर आया अभी। तो हो रही है कार डेकोरेट, अभी हम कार डेकोरेट कर रहे थे और अचानक यहाँ पे मेरे मामा जी आ गए। ये मतलब मेरे आगे पीछे लगे रहते हैं। हाँ मैं इनके पीछे रहता हूँ हमेशा, ये लंबा है वैसे उधर की कुगली में हो जाऊंगा। तो मामा जी कहाँ से आए अभी? नालागढ़ से। नालागढ़ में इनका प्रोग्राम था तो ये नालागढ़ से आया अभी। तो भाई हम डेकोरेट करवा रहे हैं गाड़ी को, तो अभी हो जाएगी आधे घंटे तक, फिर चलेंगे यहाँ से। भाई कार की होगी डेकोरेशन पूरी, तो भाई अगले ब्लॉग में बताएंगे कार की डेकोरेशन कैसी थी, क्योंकि भाई अभी ये सस्पेंस रहना चाहिए क्योंकि भाई कल जाएगी बारात अभी। तो भाई करते हैं इस ब्लॉग का यहीं पे एंड, तो मिलते हैं अदर ब्लॉग पे। बाय।